रिसेंटली ही मई में Xiaomi ने अपना Mi 10 निकाला था मार्केट में, लेकिन जैसे ही ये इंडियन मार्केट में आया ना, तो ये फ़ोन कुछ खास कमाल नहीं कर सका, क्योंकि इसकी जो वजह थी वो थी इसका प्राइस। इसका जो प्राइस था वो तकरीबन 50,000 रुपये था, लेकिन जो इसमें फीचर्स मिल रहे थे वो इतने टॉप ऑफ द नॉच नहीं थे। लेकिन इसी मंथ अगस्त में Xiaomi ने अपना एक और फ़ोन निकाला है, जो कि इसका अल्ट्रा वर्जन है Mi 10 का, जिसका नाम है Xiaomi Mi 10 Ultra। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि क्या क्या फीचर्स हमें देखने को मिलने वाले हैं इसमें, और क्या क्या स्पेसिफिकेशंस हमें इसमें देखने को मिलने वाले हैं। तो बिना किसी देर के हम बढ़ते हैं अपनी इस वीडियो की तरफ। लेकिन वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले, अगर आप इस चैनल पर नए हैं देन इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि जो हमारी वीडियोज़ हैं सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। तो इसी के साथ ही हम बढ़ते हैं अपनी इस वीडियो की तरफ, तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आज हम बात कर लेंगे डिस्प्ले के बारे में। डिस्प्ले के बारे में बात करें तो Xiaomi Mi 10 Ultra में आपको देखने को मिलने वाली है 6.67 इंचेस की OLED डिस्प्ले, जिसमें आपको मिलेगा 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले रिफ्रेश रेट भी। स्क्रीन की प्रोटेक्शन के लिए आपको साथ में दिया गया है गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन, जो कि काफ़ी मजबूत है। और साथ में आपको देखने को मिलने वाला है HDR10+ का भी सपोर्ट, यानी कि अगर आप मूवीज़ या वीडियोस देखना पसंद करते हैं फ़ोन में, देन इसका जो एक्सपीरियंस है वो एक नेक्स्ट लेवल पर जाने वाला है, क्योंकि इसमें जो कलर्स और ब्राइटनेस देखने को मिलने वाली है ना, वो बिल्कुल शानदार है। और फ़ोन की सिक्योरिटी के लिए आपको इसमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलने वाला है, जो कि काफ़ी फास्ट और सिक्योर है। तो इन टर्म्स ऑफ डिस्प्ले ये फ़ोन बहुत ही बेस्ट होने वाला है आपके लिए। 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले रिफ्रेश रेट होने के कारण, अगर आप इसमें हैवी गेमिंग भी कर रहे हैं ना, देन वो भी आप बिल्कुल स्मूथली खेल सकते हैं इसमें। और हाँ, इसमें जो हैप्टिक टच और रिस्पॉन्स टाइम है ना, वो बिल्कुल शानदार देखने को मिलने वाला है इसमें। तो अभी हम बात कर लेते हैं इसके कैमरास के बारे में। इसमें आपको देखने को मिलने वाला है क्वैड रियर कैमरा सेटअप। तो अभी आप सोचेंगे सिर्फ क्वैड रियर कैमरा सेटअप, ये तो हमें मिड रेंज फ़ोन में भी देखने को मिल जाता है, तो इसमें क्या चीज़ है जो अल्ट्रा है? तो अभी मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, इसमें कोई एक चीज़ नहीं है, कोई दो चीज़ नहीं है, काफ़ी चीज़ें हैं इसमें डाली हुई। जी हाँ दोस्तों, इसमें आपको पहले तो देखने को मिलने वाला है 120x तक का जूम। जी हाँ दोस्तों, इसमें आपको 120x तक का जूम देखने को मिलने वाला है, जो कि काफ़ी इनसेन है। अगर आप किसी दूर ऑब्जेक्ट की पिक्चर भी क्लिक करेंगे ना, वो भी इतनी क्लियर आएगी। तो इसके बाद दूसरी जो चीज़ है ना, वो है इसके कैमरास की क्वालिटी। जी हाँ दोस्तों, इसमें आपको जो कैमरास देखने को मिलने वाले हैं ना, वो बेस्ट इन द वर्ल्ड हैं अभी तक के लिए। DxOMark ने इसको रैंक किया है इन टर्म्स ऑफ स्मार्टफोन कैमरास, तो ये भी काफ़ी इनसेन चीज़ हो जाती है। तो अभी हम बात कर लेते हैं इसके पिक्सल्स के बारे में, कि कितने मेगापिक्सल्स के कैमरास हमें देखने को मिलने वाले हैं इसमें। तो इसमें सबसे पहले हमें देखने को मिलेगा 20 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये कोई मामूली कैमरा नहीं होने वाला है, क्योंकि ये अभी तक का सबसे वाइडेस्ट कैमरा है किसी स्मार्टफोन में, तो ये भी काफ़ी इनसेन चीज़ हो जाती है इसी के साथ में। अभी हम यहाँ पर बात कर लेते हैं इसके प्राइमरी सेंसर के बारे में, जो कि है 48 मेगापिक्सल का। तो अभी आप सोचेंगे कि जो सैमसंग की सीरीज़ आई थी अभी Samsung S20, उसमें एक फ़ोन है जिसमें आपको 108 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलता है। तो अभी यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो कैमरास होते हैं उसके जो पिक्सल्स होते हैं वही सब कुछ नहीं होते। एक कैमरा की क्वालिटी सिर्फ एक चीज़ पर डिपेंड नहीं करती। अभी आप देखेंगे कि मिड रेंज फ़ोन में भी आपको 48 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिल जाता है, लेकिन आप उस चीज़ को नोटिस करेंगे कि उनमें जो आपको कैमरा सेंसर से देखने को मिलते हैं ना, वो बहुत ही कम होते हैं। तो अगर आप 48 मेगापिक्सल का कैमरा जो Mi 10 Ultra का है और Samsung का S20 Ultra का जो कैमरा है 108 मेगापिक्सल का, इन दोनों को कंपेयर करेंगे ना, तो इसका जो 48 मेगापिक्सल का कैमरा है ना, वो एक्चुअली साइज़ में ज़्यादा बड़ा है एज़ कम्पेयर टू 108 मेगापिक्सल कैमरा। तो ये चीज़ काफ़ी शानदार लगी मुझे, क्योंकि एक तो कैमरा क्वालिटी इतनी अच्छी और ऊपर से जो पिक्सल्स हैं वो भी, मुझे पहली बार लग रहा है कि किसी स्मार्टफोन में आपको प्रॉपर पिक्सल्स देखने को मिलने वाले हैं। तो अभी हम बढ़ते हैं इसके अगले कैमरा की तरफ, जो कि है 48 मेगापिक्सल का ही, जो आपको 120x तक का जूम देखने को मिलने वाला है ना, वो इसी कैमरा के थ्रू आपको देखने को मिलने वाला है। इसमें आपको मैं बता दूं कि पेरिस्कोप सेंसर का यूज़ किया गया है, जो कि जूमिंग के लिए ही यूज़ होता है खास तौर पे। इसमें आपको 5x तक का आपको ऑप्टिकल जूम देखने को मिलेगा और 120x तक का आपको हाइब्रिड जूम देखने को मिलने वाला है। तो इसके बाद हमें मिल जाता है एक 12 मेगापिक्सल का टेलीफोटो कैमरा, जो कि आपको देगा 2x तक का ऑप्टिकल जूम। तो इन टर्म्स ऑफ कैमरा इन्होंने काफ़ी चीज़ें करी हैं इसमें,
तो एक और आपको इसका एक यूनिक फीचर बताऊं, इसमें आप दोनों कैमरास का यूज कर मींस रियर और फ्रंट कैमरा का यूज करके आप वीडियो भी बना सकते हैं एक टाइम पे। दोनों कैमरास आप एक टाइम पे यूज कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, एक कैमरा रिकॉर्डिंग करेगा फ्रंट की, एक कैमरा रिकॉर्डिंग करेगा बैक की। तो ये भी काफ़ी यूनिक फीचर लगा मुझे इसके कैमरा सेटअप का। तो अभी हम बात कर लेते हैं परफॉर्मेंस के बारे में। किसी भी फ़ोन का हाईलाइटेड फीचर या मेन फीचर जो होता है ना, वो होता है इसकी परफॉर्मेंस। तो इसमें आपको मैं बता दूं कि इसमें आपको देखने को मिलने वाला है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 865 प्रोसेसर, जो कि बेस्ड होगा 7 नैनोमीटर वाली टेक्नोलॉजी। ये एक 5G प्रोसेसर है, 5G सपोर्ट करेगा ये फ़ोन। तो इसमें आपको जो परफॉर्मेंस है ना, वो आपको टॉप ऑफ द नोच देखने को मिलने वाली है। और साथ में इसमें आपको ग्राफिक्स के लिए दिया गया है एड्रीनो का 650 GPU, जो कि काफ़ी सही है, काफ़ी इंसेनली वर्क करता है 865 स्नैपड्रैगन के साथ में। तो इसमें आपको रैम के भी ऑप्शंस काफ़ी दिए गए हैं, जैसे कि इसमें आपको अप टू 16GB रैम देखने को मिल जाता है। और एक और चीज़ बताऊं, इसमें आपको लेटेस्ट रैम देखने को मिलने वाली है, जो कि है LPDDR5। ये अभी तक का सबसे फास्टेस्ट स्मार्टफोन होने वाला है दुनिया में। तो अभी हम बात कर लेते हैं इसके बैटरी के बारे में। इसमें आपको देखने को मिलने वाली है 4500 mAh की मॉन्स्टर बैटरी, जो कि आपको दे देगी 1 से 2 दिन का बैटरी बैकअप आराम से। तो एक और चीज़ बताऊँ, इसमें आपको देखने को मिलने वाली है बिल्कुल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो कि यूज़ करी गई है बैटरी बनाने में, जिसका नाम है ग्राफिन टेक्नोलॉजी। जी हाँ दोस्तों, इसमें ग्राफिन टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है बैटरी बनाने में। अगर आपको नहीं पता कि ग्राफिन टेक्नोलॉजी क्या होती है, तब वो मैं आपको छोटा सा एक ओवरव्यू दे देता हूँ आपको। ग्राफिन टेक्नोलॉजी एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जो कि यूज़ करी जाती है स्मार्टफोन बैटरीज बनाने के लिए। इसके काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे कि फास्ट चार्जिंग, लाइट वेट, फ्लेक्सिबिलिटी और हाई टेम्परेचर रेंज। तो ये भी काफ़ी एक अच्छी और प्लस पॉइंट हो जाता है इस फ़ोन के लिए। और ये ही नहीं, इसमें आपको फास्ट चार्जिंग भी देखने को मिलने वाली है, जो कि एक मामूली कोई साधारण सी फास्ट चार्जिंग नहीं होने वाली। इसमें आपको देखने को मिलने वाली है 120 वॉट्स की फास्ट चार्जिंग, जो कि सैमसंग के जो फ़ोन्स में आपको फास्ट चार्जिंग देखने को मिल रही है ना, उससे काफ़ी ज़्यादा है। तो इसी के साथ ही आपको एक और चीज़ बता ही देता हूँ कि इसमें आपको 50 वॉट्स की वायरलेस चार्जिंग भी देखने को मिलने वाली है, और आपको 10 वॉट्स की रिवर्स वायरलेस चार्जिंग भी देखने को मिलने वाली है इसमें। तो है ना, ये अल्ट्रा फोन अल्ट्रा स्पेसिफिकेशंस के साथ में एक बेस्ट स्मार्टफोन हो जाता है ये। तो जल्दी से अभी हम बात कर लेते हैं इसके स्टोरेज टाइप और स्टोरेज के बारे में। इसमें आपको अप टू 512 GB तक स्टोरेज देखने को मिल जाएगी, और आपको इसमें साथ में देखने को मिल जाएगी UFS 3.1 का भी सपोर्ट, जो कि एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है आज के टाइम में। तो अभी हम बात कर लेते हैं इसके प्राइसिंग के बारे में। इतने सही स्पेसिफिकेशंस हमने देख लिए हैं, काफ़ी यूनिक चीज़ें भी इसमें हैं और काफ़ी स्पेशल चीज़ें भी इसमें डाली गई हैं। तो अभी आप सोच रहे होंगे इसका जो प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा होने वाला है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इसका जो चाइनीज़ प्राइस है, उसको अगर हम USD में कन्वर्ट करते हैं ना, तो इसका जो प्राइस हो जाता है $760। जी हाँ दोस्तों, इसका जो प्राइस है ना USD में, वो है इसका $760 रियली। क्योंकि अभी आप सोच रहे होंगे कि इतने सही स्पेसिफिकेशंस और जो प्राइस है वो $760, ये कैसे हो सकता है। तो अभी मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि इसका जो प्राइस है वो, अभी ये फ़ोन जो है चाइना में ही लॉन्च हुआ है, इंडिया में अभी ये फ़ोन लॉन्च नहीं हुआ है, तो इसका जो एग्जैक्टली प्राइस है वो बताया नहीं जा सकता। लेकिन काफ़ी र्यूमर्स हैं कि इसका जो प्राइस होगा ना इंडिया में, वो तकरीबन होगा 56,000 के आसपास में, ऊपर नीचे हो सकता है, एग्जैक्टली प्राइस नहीं है ये इसका। तो क्योंकि ये मे बी फ़ोन जो है इंडिया में ना बने, तो डायरेक्टली चाइना से एक्सपोर्ट हो, तो शायद हो सकता है इसका जो प्राइस है वो ज़्यादा भी हो सकता है। अगर ये फ़ोन बना इंडिया में, देन इसकी जो कॉस्ट है वो लगभग 56 या 50 इसके आसपास रहने वाली हो सकती है। तो ये थी कुछ बातें Xiaomi Mi 10 Ultra के बारे में, एक रियली अल्ट्रा स्मार्टफोन जो कि डिज़र्व करता है एक बेस्ट स्मार्टफोन होना। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो देन इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं देन इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में मेरी बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है। अभी रात के 12 बजे और मैं इस टाइम वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि दिन में जो है आसपास में बहुत ज़्यादा शोर होता है, तो वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं होता।
तो प्लीज़ अगर आप इस चैनल पर नए हैं देन इसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, इसके साथ मुझे मोटिवेशन मिलती है। और इसी के साथ ही हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम स्टे हेल्थी।